एसडी पब्लिक स्कूल जगाधरी के 5 विद्यार्थियों का चयन वर्ड स्काउट जम्बूरी के लिए हुआ था। ये विद्यार्थी 22 जुलाई से 2 अगस्त तक वेस्ट वर्जीनिया नॉर्थ अमेरिका में वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे हरियाणा राज्य के लिए अत्यधिक गौरव की बात है कि हरियाणा से 5 स्काउट का चयन हुआ है। ये 5ों ही स्काउट से सड्डी पब्लिक स्कूल जगाधरी के विद्यार्थी हैं। इनकी इस उपलब्धि के लिए हरियाणा के स्काउट कमिश्नर श्री एलेश वर्मा ने इनकी प्रशंसा की तथा बधाई दी। जिला यमुनानगर के स्काउट कमिश्नर श्री संदीप गुप्ता ने भी इन स्काउट को बधाई दी। वहीं वह उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उनकी इस बड़ी उपलब्धि को देखते हुए एसडी पब्लिक स्कूल जगाधरी की प्रिंसिपल श्रीमती उषा शर्मा ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि इस तरह से जब बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं तो उन बच्चों का भविष्य उज्जवल ही होता है। यह सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि आज एसडी पब्लिक स्कूल के बच्चे न केवल देश में बल्कि आज पूरे विश्व में एसडी पब्लिक स्कूल का व भारतवर्ष का नाम ऊंचा करे गए। ये 24 स्काउट जम्बूरी दुनिया के 3 देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर कर रहे हैं और इसमें लगभग 164 देश भाग ले रहे हैं। इन 164 देशों में से 45,000 से भी ज्यादा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। प्रिंसिपल उषा शर्मा ने बताया कि आज जो ये हमारे स्काउट दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, इसके पीछे हमारे स्काउट मास्टर श्री गोपाल सिंह की मेहनत है, जो दिन रात इन बच्चों के साथ हर गतिविधियों में हर कार्य में लगे रहते हैं, जिसके कारण आज हमारे बच्चे वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी में भाग लेने के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। हमारे एसडी पब्लिक स्कूल जगाधरी के विद्यार्थी हैं, ये सभी बच्चे जो हैं, इनको क्योंकि वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी एक ऐसा इवेंट है कि हर स्काउट की एक ड्रीम होती है, सपना होता है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, और इसके लिए ये बच्चे जब इनको ज्ञान हुआ कि हमें वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी का मौका मिल सकता है, तो ये 6 क्लास से ही लगातार इसमें प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान का जो इन्होंने टेस्ट था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लियर किया, और उसके बाद राज्य पुरस्कार के लिए ये बच्चे जो हैं शिमला तारा देवी में जो हमारा स्काउट का नॉर्थ का जो सेंटर है वहाँ पर जाकर इन्होंने राज्य पुरस्कार प्राप्त किया। उसके बाद प्रधानमंत्री शील ट्रॉफी के लिए भी जो बच्चे ये हमारे सेलेक्ट हुए हैं, हर्षित हमारा बच्चा जो है राष्ट्रपति अवार्ड के लिए इसका नाम चयनित हुआ है, और एक बच्चा हमारा भवित गुप्ता वो गवर्नर अवार्ड भी ले चुका है। तो इन सब कॉन्टीन्यूसली हमारी इस एफर्ट्स के साथ हमारे ये बच्चे जो हैं आज वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी के लिए नेशनल हेडक्वार्टर ने इनका नाम सेलेक्ट किया। वहाँ पे पूरी दुनिया के सभी स्काउट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार 164 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग जो है 45,000 के आसपास जो है पूरी दुनिया से स्काउट्स, रोवर्स, रेंजर्स, आईएसटी, इंटरनेशनल सर्विस टीम के मेंबर, ये लोग सभी लोग 45,000 के आसपास लोग वहाँ पर भाग लेंगे। सर, इन बच्चों में एक तो मैंने ये चीज़ देखी कि समाज में इनका एक दूसरों के लिए मदद करना, एक दूसरे को सहयोग करना, कोई भी मैं स्कूल में ही देखता था कि बच्चे कभी भी किसी बच्चे को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सारे मिलकर उसकी हेल्प करते थे, और इसी तरह से ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं, स्कूल से बाहर जैसे कावड़ पूजा जब होती है, कावड़िए जब निकलते हैं, उन लोगों की लोग देखते हैं, लोग के पैरों में चोट, ये बच्चे आए कि सर उनके पैरों में चोट लगी रहती है, हम लोग क्या उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो वर्क भी इन्होंने बच्चों ने किया। ट्री प्लांटेशन के टाइम पेड़ लगाना, रेलवे स्टेशन पर जाकर प्यासे आदमियों को पानी पिलाना, इस तरह की हम लोग एक्टिविटीज़ इन बच्चों के थ्रू करते रहते हैं, और इन बच्चों में जो है एक समाज की उत्थान के लिए दिन रात काम करने का एक जज्बा इनके बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ डेवलप हो रहा है, और यही फीलिंग थी जिसके कारण आज ये बच्चे जो है दुनिया के नक्शे में चमकेंगे, हमारे देश का, भारतवर्ष का झंडा जो है अमेरिका में। डॉक्टर कुलजिंदर सोडी इज वन ऑफ द बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट इन इंडिया।